सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। शहर में अभय योजना लागू करने को लेकर चल शहर में कानाफूसी चल रही है, तो वही सत्ताधारी शिवसेना ने अभय योजना लागू करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मनपा उपायुक्त प्रियंका राजपूत ने पत्रकारों को बताया कि पहले ही मनपा का बहुत नुकसान हो चुका है और अभय योजना लागू नहीं होगी। वहीं इसको लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है, जबकि अभय योजना लागू करने को लेकर छावा संघटना ने मनपा आयुक्त को पत्र दिया है और अभय योजना लगाने की मांग की है, नहीं तो छावा संघटना आंदोलन करेगी। सभी को जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभय योजना के विषय में हम लोगों ने पत्र दिया था। दो साल जो कोविड के अंतर्गत पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा जग जो लॉकडाउन था, उसके अंतर्गत सबके सभी का व्यापार, सभी का कार्य सब ठप सा लगा पड़ा था। ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने लग गई तो बैंकों के किस्त आने लग गए, लाइट बिल उनको चुकाना पड़ा। उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको जो झगड़ के अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार को ज़िंदा रखने के लिए जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उनको कष्ट उठाना पड़ रहा था, उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ हाईकोर्ट का या कोर्ट का निर्णय भी आया था कि आप जाति नहीं की जाए करके। तो उसी विषय में देखते हुए अभी उल्लासनगर महानगर पालिका का टैक्स वसूली का मैंने हमारे पास तकरार आया था संगठन के माध्यम से कि वारंट इशू हो रहे एक राइटिंग में, तो उस विषय में हम लोगों ने उपायुक्त से बात की और उनको बताया कि अभय योजना लागू की जाए करके। तो उनका स्पष्ट मत था कि अभय योजना लागू नहीं होगी, कारण अभय योजना अगर लागू होगी तो महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उनका पगार कहाँ से देंगे। तो उल्लासनगर महानगर पालिका के अंतर्गत अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे सुविधा है और मालमत्ता एक साधन नहीं है, जैसा कोनार कंपनी हो गई, ये जो कचरा का ठेका उनको दिया है 4-4.5 लाख रुपया पर दिन लेते हैं वो हो गया। आज इलीगल कंस्ट्रक्शन दुनिया शहर भर में इतने चालू है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो टीयर गेटर चालू थे, लोड बेरिंग चालू थे, आज वो 4-4, 5-5 माले के RCC बन रहे। तो वो भी एक माध्यम है। मैंने उसी दिन ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी को और इनको बांधकाम मंत्री जी को कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको आप रेगुलाइज करो और उसका जो वसूली का पैसा है वो महानगर पालिका के इसमें रेगुलाइज में ले लो करके उसको। और उसमें हमने एक पत्र दिया जब हमको मालूम पड़ा कि शिवसेना के शहर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी जी इन्होंने अभय योजना के फेवर में, अभय योजना के विरोध में एक पत्र दिया हुआ है कि अभय योजना जल्द से जल्द लागू की जाए, शहरवासियों को यह भुगतान ना करना पड़े। तो हम लोगों ने जब पाठपुराव किया तो हमने भी उसका पाठपुराव करके अपनी तरफ से एक पत्र दिया हुआ है। और नगर पालिका जो अंबरनाथ की है, कुड़गांव बदलापुर है, जब इतनी छोटी नगर पालिका अपने लोगों के लिए राहत देने के लिए अगर अभय योजना लागू कर सकती है तो उल्लासनगर महानगर पालिका तो बहुत बड़ी, उनसे उन्होंने भी अपना ये दिखाना मांगता है। शहर में जो लोग नागरिक रह रहे हैं उनको ये भुगतान करना पड़ रहा है इसका। आने वाले समय में अभय योजना के खिलाफ अगर कोई जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया और शहरवासियों को अगर तकलीफ हुई तो राष्ट्रीय छावा संगठना और काफ़ी सारी संगठना एक साथ आके अभय योजना के विरोध में आंदोलन करेगी। उपायुक्त जी ने कहा कि अभय योजना लागू नहीं होगी और इसी संदर्भ में हमने कमिश्नर जी से भी बात किया हुआ है कि हमने कहा है कि अभय योजना लागू मत कीजिए, इसमें हमारा घाटा है करके। महानगर पालिका के जो अधिकारी बैठे हैं ये तानाशाही, ये हुकुमशाही चला रहे हैं। ये महानगर पालिका की तरफ से टैक्स रिकवरी के लिए अभय योजना लागू करनी चाहिए, ये शासकीय प्रस्ताव मैंने और राजेश वानखेड़े इन्होंने आज एजेंडा पे रखा था और वो विषय के माध्यम से आज सभागृह में चर्चा हुई। हमारी अपेक्षा थी जनवरी में ही ये अभय योजना चालू होनी चाहिए थी, लेकिन महासभा नहीं होने के कारण वो नहीं हो पाई। आज महासभा हुई है तो हमने आज इस महासभा में चर्चा करते हुए सभी पार्टी के नगर सेवकों ने ऐसा निर्णय लिया है कि ये स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आने वाले 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उल्लासनगर में अभय योजना लागू होनी चाहिए। और ये अभय योजना लागू करते टाइम ये लास्ट की अभय योजना होनी चाहिए। इसमें जो किसी का हाउस टैक्स बाकी है वो त्वरित भरे और अपना हाउस टैक्स फ्री करवा के ले जाइए। हाउस टैक्स भरना ज़रूरी है और वो आप उल्लासनगर वासी इस अभय योजना का लाभ उल्लासनगर वासियों को मिलना चाहिए, इसके लिए यह अशासकीय प्रस्ताव हमने रखा था। कितने प्रतिशत छूट होगी या फिर इसका टपाल रखा गया
नहीं, हमने तो अभी 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूरा ही जो कोई इंटरेस्ट है, जो मूल धन है उसके बाद में इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। इसी ऐसी प्रकार की अभय योजना लगनी चाहिए, ऐसा हमने प्रस्ताव पारित किया है। जी, ऐसा है कि अभय योजना जो है उसका मतलब, हमारे यहाँ जो अभय योजना है वो ऐसी होती है कि 2% जो पेनल्टी है टैक्स के ऊपर, अगर आपको विहित कालावधि में आप टैक्स नहीं भरते हो तो हर महीने उस टैक्स पे आपका जो डे टैक्स है उसके ऊपर 2% लगाया जाता है पेनल्टी। इस पेनल्टी को वेव ऑफ करने के लिए अभय योजना लाई जाती है। 7 साल से हमारे यहाँ अभय योजना थी लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था और कॉरपोरेशन का बहुत नुकसान हो रहा था। ऑलमोस्ट 70 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है कॉरपोरेशन का। उस हिसाब से प्रशासन का कहना था कि ये अभय योजना नहीं लानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ कॉरपोरेशन के मेंबर्स ने ये सब्जेक्ट हाल ही में 20 जनवरी को जो महासभा हुई वहाँ पे अशासकीय सब्जेक्ट प्रस्ताव करके लाया था और उसको उन्होंने पारित भी किया था। लेकिन आपको भी पता है कि अशासकीय ठहराव जो होता है या प्रस्ताव होता है वो कॉरपोरेशन पे बाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि और अगर करना भी है तो वो उससे कॉरपोरेशन का नुकसान या नफ़ा ये देख के ही हमें तय करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो प्रशासन ने और ऑनरेबल कमिश्नर सर ने भी हमने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया कि अभय योजना के फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान कितने हैं, तो हमें नुकसान ज़्यादा दिखाई दिए। तो उस तरीके से और दूसरी बात ये भी है कि अभय योजना लाने के पूरे अधिकार ऑनरेबल कमिश्नर सर को ही है, आयुक्त को ही होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर ये ठहराव इम्प्लीमेंट करने जैसा नहीं है तो हम उनको विखंडन के लिए भेजा जाता है नगर विकास विभाग को। तो अभी उस हिसाब से ये जो ठहराव हुआ है वो महापालिका का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 451(1) के अनुसार विखंडित करने के लिए नगर विकास विभाग को भेजा गया है। और अभी अभय योजना आएगी कि नहीं आएगी ये सब नगर विकास विभाग पे डिपेंड है। अगर नगर विकास विभाग ने ये ठहराव विखंडित नहीं किया या उसके लिए उसको अमल बजावनी करो ऐसे अगर ऊपर से आदेश आते हैं तो अभय योजना लाई जाएगी, बट ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि इस बात पे हियरिंग होगी नगर विकास में और सेक्रेटरी सर के पास हियरिंग होगी और हमारे जो मुद्दे हैं मुझे नहीं लगता है कि नगर विकास विभाग कॉरपोरेशन का नुकसान करेंगे, तो अभय योजना ये साल नहीं आएगी। धन्यवाद।